हेलो व्यूअर्स, आज के दिन में अगर हम लोग मोबाइल मार्केट देखेंगे तो मोबाइल मार्केट में देखेंगे हर दिन कुछ नया फोन निकलते रहे और उसका हर दिन कोई नया कंप्यूटर निकलता रहा है। मतलब अगर देखोगे कुछ दिन से अगर कोई भी नया फोन आ रहा है तो उसका और एक कंप्यूटर हर दिन आते रहता है। और इस तरह का कंडीशन में हम लोग को देखने को मिल रहा है Xiaomi एंड Realme के अंदर एक कॉम्पिटिशन जो कोल्ड वॉर की तरह चल रहा है, जिसके बारे में हम लोग आपको इधर कार्ट में लिंक दे रहे हैं, इधर से जगह देख सकते। तो इस टाइम में Realme 5 एंड 5 प्रो निकल रहा है और Xiaomi चुप बैठेगा, ये कभी हो सकते? ना, Xiaomi वो निकल रहा है, Xiaomi Redmi 8 निकल रहा है, Redmi Note 8 निकल रहा है। तो इसके बारे में आज को ये वीडियो में जानने को मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में अभी उतना कुछ लीक नहीं है, बट जो जो लीक अभी तक पता चल रहा है जो आपको 100% कॉन्फर्म लीक बोल सकते हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिए। मैं वीडियो का मेन टॉपिक में जाने का पहले टेक्सॉन चैनल से मैं सम्राट आया हूं। वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज वीडियो में एक लाइक दे देना, उसके साथ चैनल में नए होने पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। अगर पहले से सब्सक्राइब है तो थैंक यू। वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी जानना है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो रेडमी का 8 एंड रेडमी नोट 8 ये दो फोन लॉन्च होने जा रहा है इस महीने भी 29 अगस्त को ये लॉन्च होगा। क्यों लॉन्च होगा 29 अगस्त को? क्योंकि उस दिन में आपको रेडमी का जो नया टीवी का लाइनअप है वो लॉन्च होते जा रहा है। तो रेडमी का टीवी के साथ वो लॉन्च होगा रेडमी का 8 एंड रेडमी का नोट 8। तो रेडमी का जो 8 है इसके बारे में मैं 2-4 दिन पहले से कुछ लीक इमेज एंड उसके साथ स्पेसिफिकेशन अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो उसका साथ साथ रिसेंटली मतलब आज 19 अगस्त है, तो आज के दिन में सबसे पहला जो रेडमी नोट 8 का लीक के बारे में आपको पता चल रहा है। तो आज के दिन में अगर देखेंगे रेडमी जो 8 है इसका बारे में ये फोटो अगर देखेंगे तो पीछे आपको ड्यूअल कैमरा फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, सामने में जो अगर देखने को मिलेगा एक इन्फिनिटी यू नहीं तो डियोड्रॉप टाइप का नॉच बोल सकते हैं, और सामने का जो स्टाइल है वो रेडमी 7A की तरह स्टाइल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक ऐसा ही अगर हम लोग रेडमी का नोट 8 के बारे में देखेंगे, रेडमी नोट 8 का उतना कुछ पिक्चर अभी शेयर नहीं हुआ व लीक नहीं हुआ, इसके अंदर 3 आपको लीक देखने को मिलेगा नहीं तो पिक्चर देखने को मिलेगा बोल सकते। सबसे पहले Xiaomi का जो एक हेड है व नहीं बोल सकते अपर का कोई लोक है जिसने कुछ ट्वीट किया था, वो चाइनीज ट्विटर बोल सकते उस तरह का, तो उसने अगर जो ट्वीट किया था उधर एक देखिए क्लियर मेंशन किया नोट 8 एंड्रॉयड, तो उससे पता चल रहा है रेडमी नोट 8 आ रहा है। और उसके साथ इसका और भी दो पिक्चर अगर आपको देखने को मिल रहा है तो मैं कुछ फोटो इधर रखा, तो सबसे पहला अगर ये फोटो देखेंगे तो ये फोटो में देखिए पीछे में कैमरा बम्प देखने को मिल रहा है, और अगर आप गौर से नोटिस करेंगे उस कैमरा बम्प में आपको 4 कैमरा देखने को मिलेगा, हालांकि उधर एक अंगूठा है वो दिया हुआ है बट उधर एक कैमरा है। कैसे आप कॉन्फर्म होगा देखिए, अगर आप ये कैमरा बम्प की साइड में देखेंगे एक एरिया है जिधर आपको फ्लैश देखने को मिल रहा है, तो अगर उधर फ्लैश देखने को मिल रहा है तो उधर और एक कैमरा आपको कॉन्फर्म हो लीजिए होगा ही होगा। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें आपको 4 कैमरा Redmi Note 8 में देखने को मिल जाएगा। उसके साथ पीछे में अगर नीचे में देखेंगे तो नीचे में 3.5mm ऑडियो जैक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल रहा है। तो अभी तक ये 3 चीज क्लियर लीक हो चुका है, बट इसके बारे में और भी कुछ लीक हम लोग को पता चला। जैसे ये फोन में आपको G90 देखने को मिलने का चांस बहुत ही ज्यादा 4000mAh बैटरी के साथ, उसके साथ इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले भी हो सकता है। अभी तक इसके बारे में कुछ कॉन्फर्मेशन नहीं है बट एमोलेड डिस्प्ले होने का चांस बहुत ही ज्यादा एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी हो सकता है। ठीक ऐसा ही अगर आप लोग रेडमी 8 जो है उसको देखेंगे तो उस फोन के बारे में भी ऑलमोस्ट सब तरह का स्पेसिफिकेशन उधर लीक हो चुका है। तो उस स्पेसिफिकेशन के बारे में सबसे पहला अगर देखेंगे तो ये एक 6.2 इंच का HD+ डिस्प्ले होने वाली है। Xiaomi का जो रेडमी सीरीज है वो एक बेसिकली बजट सेगमेंट के सीरीज है, तो उसके अंदर आपको HD+ ही डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो इस फोन में आपको HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और उसके साथ इस फोन का सबसे जो हाईलाइटेड है 5000mAh की बैटरी, हाँ ये फोन में आपको 5000mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा। उसके साथ नेक्स्टली अगर देखेंगे ये फोन में आपको 4 रैम एंड रोम की वेरिएंट देखने को मिलेगा, 2GB, 3GB, 4GB तीन तरह का वेरिएंट देखने को मिलेगा। इंटरनल की बात किया जाए तो 16GB, 32GB, 64GB का इंटरनल देखने को मिल जाएगा। ये फोन में आपको जो प्रोसेसर के बारे में पता चल रहा है इसमें स्नैपड्रैगन का जो 439 है वो भी आ सकते हैं, बट वो आने का चांस मेरा पर्सनली पर्सपेक्टिव से लग रहा है कि बहुत ही लो है। हीलियो का P35 जो है वो आने का चांस मेरा लग रहा है ज़्यादा है, क्योंकि इस प्राइस के साथ जो आ रहा है P35 भी स्लाइड मुझको ज़्यादा लग रहा है आने का। उसके साथ इसमें आपको पीछे डुअल कैमरा देखने को मिलेगा जिसमें प्राइमरी 12 MP का है, उसके साथ 8 MP का सेकेंडरी सेंसर, बट सेकेंडरी सेंसर क्या होगा ये वाइड एंगल लेंस नहीं तो डेप्थ सेंसर क्या होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं है। उसके साथ फ्रंट में आपको 8 MP का सेंसर देखने को
मिल जाएगा। तो ये सब बारे में आपको पता चल रहा है। ऐसे अगर कलर की बात किया जाए तो कलर देख सकते हैं पीछे एक ग्लॉसी फिनिश आपको देखने को मिलेगा, बट ये प्लास्टिक का बिल्ड होगा। बट रेडमी नोट 8 को अगर देखेंगे तो रेडमी नोट 8 एक ग्लास बैक डिजाइन के साथ प्रीमियम फोन होने वाली है। तो अभी तक इसके बारे में यही पता चला, ये 29th August को लॉन्च होगा। जैसे रेडमी 8 का प्राइस अभी तक जो पता चल रहा है, ये 8000 के अंदर प्राइस आपको 2+16GB का देखने को मिलेगा। ऐसे रेडमी नोट 8 की बात किया जाए तो रेडमी नोट 8 का आपको प्राइस आपको 15000 के नीचे देखने को मिल जाएगा। तो इसके बारे में और भी कुछ जानने को मिलेगा जब मैं और भी डिटेल में आपको वीडियो जरूर बना के दूंगा। तब तक के लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, इसके बारे में कुछ भी जानने है और कुछ भी न्यूज रहेगा तो नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और आपको क्या इसके बारे में राय है नीचे कमेंट कीजिए। आप लोग का कमेंट तो मैं आगे ही बोला, वेट कर रहा हूँ। वीडियो में प्लीज एक लाइक दीजिए, वीडियो में लाइक का टारगेट इस बार भी रख रहा हूँ 10। और उसके साथ चैनल में नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके थैंक यू, और ये वीडियो शेयर करो फ्रेंड्स। फिर एक नया वीडियो मुलाकात होगा, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।